दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग ब्राउजर्स चलाते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, और भी कई सारे अलग अलग तरीके के ब्राउजर्स होते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग चलाते होंगे तो ये सोचते होंगे कि ये ब्राउजिंग बनाने में ऑफकोर्स इतने बड़े बड़े सर्वर्स, इतने बड़े बड़े स्टाफ की हमें ज़रूरत होती है और हम उसको एक भी चीज़ पे नहीं करते, तो कैसे वो अपनी ब्राउज़र कमाते हैं या फिर वो अपना फ्री में ही काम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम श्रीवास्तव, यू आर वाचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो फिर दोस्तों, जो इतने बड़े बड़े जो ब्राउजर्स कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, सफारी हो गया और भी सारे, तो इसमें ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह के टेक्नीशियंस लोग और स्टाफ की ज़रूरत होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है जो आपकी डेटा को सिक्योर करे, जो आपको एकदम रिजल्ट क्विकली दे। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल बात करें गूगल क्रोम की, तो अगर आप उसमें से कोई भी डालोगे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो फिर आप में जो सबसे पहले वाले जो रिजल्ट आएंगे वो होंगे एड्स। जहाँ दोस्तों आप में से बहुत से लोग ध्यान नहीं देते होंगे, तो वहाँ पर देखा करिए तो वहाँ पर साइड में लिखा होगा AD एड्स या ADS लिखा होगा। जो सबसे पहले वाले होते हैं वो एड्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो अलग अलग कंपनीज या फिर अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं वो गूगल या अलग अलग क्रोम्स को अब पैसे दिए गए होते हैं कि जब भी कोई कस्टमर अगर लिखे बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो उसको उस एरिया में हमारा रेस्टोरेंट टॉप पे दिखाए और इसके थ्रू गूगल कमाता है पैसे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर्स भी ऐसे कमाते हैं। पर दोस्तों अगर बात कर ले हम आपकी डेटा को लेकर, तो ऑफकोर्स हमारी जो एक और टेक बोल की एपिसोड थी तो फोन प्राइवेसी, उसमें आपकी डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आपको पता ही होगा कि कैसे आपके डेटा वेब ब्राउजर और कौन सी फोन्स कंपनीज आपको उठा के डार्क वेब और अलग अलग ब्रांड्स को देती है, जिसकी वजह से वो आपको एड्स टारगेट कर पाए। वही बात करते हैं गूगल क्रोम्स की, तो वो इतने बड़े बड़े सर्वर्स में आपके सारे डेटा होंगे, उनको पता होगा कि आपके प्रोज और कॉस क्या, आपको पता होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इस समय आप कहाँ हो। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपने कुछ गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट बैग्स XYZ नाम से, तो फिर जो वो बैग्स की जो लिस्ट होगी वो अकॉर्डिंग टू ब्रांड्स ही और उसके एडवर्टाइजमेंट के पास करके आ जाएंगी। पर दोस्तों फॉर हमने उस गूगल में सर्च किया, 3-4 दिन के बाद देखा नहीं पसंद है, पर अगर हम अनदर कोई गूगल की सर्विस चलाएंगे, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, ड्राइव और भी यूट्यूब कुछ भी चीज़ें, तो फिर जो उस पर जो हमें एड्स जो टारगेट किए जाएंगे वो उसी ही प्रोडक्ट के होंगे। इसका मतलब गूगल आपकी जो जितनी भी डेटा हो अपने सर्वर पे स्टोर करता है, और गूगल के जो बॉट्स होते हैं या फिर जितने भी लोग स्टाफ होते हैं उनको पता है कि इस पर्टिकुलर बंदे को इस पर्टिकुलर ब्रांड का बैग चाहिए, और वो उस ब्रांड को कॉन्टेक्ट करके लेते हैं। अब दोस्तों आप मान लीजिए कि वो ब्रांड आप क्या करेंगे, आपको बोलेगा कि हाँ मुझे उस बंदे को एड्स दिखाइए जिससे उसको पता चले कि हमारे ब्रांड्स में कौन से बैग आए हैं, और आई होप कि उसको लाइक किया होगा। तो वो क्या करते हैं, गूगल को पैसे देता है कि मेरे जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो उसको सबसे पहले दिखाए, जिसकी वजह से हमारी सेल्स ज़्यादा हो, और बाय विच इतने जो बड़े बड़े चीज़ से सर्विस लगाए गए होते हैं वो एकदम फ्री में नहीं होते, आप खुद ही कस्टमर हैं गूगल के, जिसके वजह से आप उसी को पैसा दे रहे हैं, पर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने कब गूगल को पैसे दे दिए और कब गूगल ने आपसे अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। और भी सारे बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों फायरफॉक्स, तो गूगल ने और भी सारे फायरफॉक्स से डील करके रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने गूगल को पैसे दिए गए थे, और ये कहा गया था कि अगर कोई सा भी लोग या कस्टमर्स कोई भी आपके वेब ब्राउजर्स पे आए तो फिर आप जितने भी रिजल्ट थे वो हमारे या तरफ ट्रैफिक डिस्ट्रैक्ट करना, और इसके वजह से भी फॉक्स फायर को अच्छे खासी कीमत मिलती है गूगल की तरफ ट्रैफिक डालने के लिए। दोस्तों आप तो फिर समझ गए होंगे, जो इतने बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, इतने बड़े बड़े चीज़ इन लोग दिखाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स गूगल इज़ अ फ्री पे, पर अगर आप गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे तो उससे पहले आना उसने आपके पता नहीं आपको कितनी सारी एड्स मिलेगी, और अगर आप कोई दूसरे वेबसाइट में गए तो फिर आपको उसके अंदर भी तरह तरह की एड्स मिलेगी। तो आप सोच ही लीजिए कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी और बड़ी क्या सारी लोग आपसे एड्स के ही मामले में पैसे कमाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये
जो हमारी जो सर्च इंजन होती है, गूगल हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्च इंजन हो गए, तो फिर दोस्तों उसमें भी पर्टिकुलरली यही टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और ये हमारी देखते कि हमने क्या सर्च किया, हमें क्या लेना है, हमारे क्या चीज चाहिए या फिर हम किधर है और हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, उस सबकी जानकारी गूगल के सर्वर में होती है और बाई दैट वो हमें एड्स टारगेट करते हैं और इसके वजह से डायरेक्टली वो हमसे अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। तो दोस्तों आप एक बार समझ लीजिए, हर कोई भी चीज़ इंटरनेट के मामले में कुछ भी आपका फ्री नहीं है। इवन आप ये यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं जो मैं क्या आपको बना के दे रहा, तो उसके पीछे भी यूट्यूब आपसे ही कमा रहा है आपको एड्स दिखा के। आप ये देखना जरूर कि जब भी अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो उसी पर्टिकुलर चीज़ का, अगर आपकी कोई सी फेवरेट मूवीज होगी या फिर सर कोई सा भी मतलब अलग चैनल या फिर फिर यूट्यूबर होगा, तो अगर आप उसकी वीडियो क्लिक करोगे तो सबसे पहले उसी की ऐड आएगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, क्योंकि गूगल को पता है कि आपने इसके बारे में सर्च किया है, आपको इसकी ज़रूरत है और आप इसको लेना भी चाहते हैं, तो वो 24 घंटे आपको उस एड्स को दिखाएगा, एड्स को दिखाएगा जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ले लें और वो ब्रांड गूगल को पैसे दे दे। दोस्तों बस ये छोटी सी है और मुझे लगा कि आप में से बहुत से लोगों को पता चल गया होगी कि ये सारे जो वेब ब्राउज़र होते हैं कैसे फ्री होते हैं, कहने को फ्री है पर पैसे लेते हैं, और उम्मीद है कि आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। और अगर दोस्तों अगर आपको डाउट है इसी वीडियो में कि ऐसे और भी चीज़ें गूगल के बारे में अलग अलग चीज़ की कितना कमाते हैं वो सब के बारे में, तो फिर मुझे बताइए नीचे दिए कमेंट्स में। और अगला टॉपिक भी आपको कुछ होने वाले, अगर आप चाहते हो कि उसके टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपको बना के दे देंगे। सो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, माई नेम इज सत्यम श्रीवास्तव, यू आर वॉचिंग टेक्नो फ्रॉम सत्यम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।